2020 को नगर कौंसिल एम्प्लाइज यूनियन सफाई कर्मचारी यूनियन एटक जीरकपुर मोहाली की एक विशेष मीटिंग जीरकपुर के नगर कौंसिल दफ्तर में रखी गई। मीटिंग की अध्यक्षता सफाई सैनिक के अध्यक्ष में श्री प्रदीप कुमार सूद व कार्यालय के अध्यक्ष श्री रविंदर पाल सिंह जी की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य रहा समान काम समान वेतन ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर अटक यूनियन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार व राज्य की पंजाब सरकार से मांग की है कि देश भर में पंजाब में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदेश समान काम समान वेतन कच्चे कर्मचारी स्थायी रूप से पक्के का फैसला जल्द से जल्द लागू करे। सरकारी गौरतलब है कि तकरीबन साल भर पहले भी यूनियन द्वारा लिखित पत्र तथा जुबानी तौर से नगर कौंसिल के पदाधिकारियों को कर्मचारियों के विषय से संबंधित कई बार अवगत कराया गया। अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर्मचारियों से संबंधित मांगे यूनियन कई बार उठा चुकी है, मगर इस बार की यूनियन का हताश ही हाथ में आई, जो इंसानियत के नज़रिए से बहुत गलत बात है। मजबूर होकर यूनियन ने आज की मीटिंग में एक अहम फैसला सुनाया है कि वह बहुत जल्द आने वाले महीनों में यूनियन द्वारा कर्मचारियों के हित के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस लगाया जाएगा। ठीक है, और बराबर काम बराबर तनख्वाह बहुत दिन से बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं हम, पर हमारी तनख्वाह के बारे में ना तो सरकार केंद्र सरकार सोच रही है और ना ही राज्य सरकार सोच रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बात पर गौर फरमाए और हमारे इस बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि इतनी कम तनख्वाह के अंदर हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते। तो मेरी अपील है और मेरी गुजारिश है केंद्र सरकार से कि हमारा जो है हमारे बारे में सोचा जाए, कि बस इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं रण सिंह MC जीरकपुर बतौर ड्राइवर के तौर पर काम करता हाँ। अज साड़ी यूनियन की मीटिंग हुई है, जिस विच फैसला लिया गया है कि बराबर काम बराबर तनख्वाह सरकार तो मंग करता हाँ, ये ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। मैं नगर कौंसल जीरकपुर से सफाई सैनिकों का अध्यक्ष हूँ। हाँ सर। हाँ जी प्रधान जी, आज पता चला था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीरकपुर के अंदर आज आप अपने पदाधिकारियों के साथ में लेकर आए थे, यहाँ पे मीटिंग थी, किस विषय में थी वो मीटिंग? हाँ सर, आज हमारी मीटिंग थी पदाधिकारियों के साथ भी थी जी, जो हमारे यूनियन के पदाधिकारी हैं और हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ भी, पदाधिकारी और कर्मचारी दोनों के साथ आज हमारी मीटिंग थी नगर कौंसल जीरकपुर, जो एक मोहाली जिले के अंदर है, कस्बा पड़ता है। तो मीटिंग का हमारा जो उद्देश्य था, जो मेन उद्देश्य था मीटिंग का जी, जो विषय था वो था हमारा बराबर काम बराबर तनख्वाह जी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं पुरजोर कोशिश और विनती है, और विनती ही कर सकता है मजदूर तबके का आदमी, विनती ही कर सकता है जी। तो मैं विनती करता हूँ अपनी अध्यक्षता की ओर से कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, जो उन्होंने अपनी जजमेंट में लागू कर दिया है बराबर काम बराबर तनख्वाह, वो जल्द से जल्द केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों की दोनों लागू करें, ताकि देश का मजदूर अपने परिवार को सही अच्छे से पाल सके। और आज के टाइम में ये देख लो आप, पंजाब के अंदर एक टाइम पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तनख्वाह होती थी, और आज के टाइम के अंदर पंजाब के अंदर जो है DC रेट बिल्कुल निचले क्रम पर चला गया, आज 7600 रुपये है, जो कि वो बहुत गलत है। 7600 रुपये में एक मकान का जो किराया होता है, तो कर्मचारी हमारा अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे जी, और कैसे अपना खाने पीने। दरबार सिंह जी, प्रधान नगर कौंसल इंप्लाईज यूनियन एटक जीरकपुर दफ्तर तो जी, मैं अपने प्रधान ने साढ़े भरा है ने अपने बनाए हुए इतों अपना, और साड़ी जी यूनियन बहुत ही जी है जिम्मेवारी काम कर रही है। सब तो बड़ा कोड हैगा जोड़ा है वो पूरे भारत च ला लो, खास करके पंजाब जी है रेट भी घट है DC रेट, उन्होंने नाल जी है एक आउटसोर्सिंग राही जी भर्ती की जा रही है, बहुत ही ज़्यादा जी है साढ़े कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैगी, बहुत ही ज़्यादा जोड़ा है यह गरीबी का सामना कर रहे हैं। हुण तुसीं देख लो नगर कौंसल जीरकपुर एक अपना पूरे पंजाब दे विच नंबर एक ते जिहड़ी हैगी रिच कमेटी आ। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।